नींबू तो आप गर्मियों में खूब खाते हैं और आप सोचते हैं कि हम नींबू खाएं तो हमें गर्मी नहीं होगी, शरबत भी डालते हैं, ठंडा का आप लोगों को पहुंचाता है, लेकिन आप करते क्या है, ये नींबू निचोड़ करके और बेजान समझ के इसको तो बेचारे को आप कूड़ेदान में ही फेंक देते हो। लेकिन खबरदार, अगर आपने इसको आज के बाद फेंका तो समझ लीजिएगा, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इसको बिल्कुल भी मत फेंकना, इसको लाइए और अपने प्लांटों को भी खिलाइए। इसको क्या करना है, लाना है और अपने रात भर के लिए पानी में छोड़ देना है, एक चुटकी हल्दी डाल देना है और रात भर के बाद दूसरे दिन और पानी ऐड करके अपने मोगरा के प्लांट में, गुड़हल के प्लांट में और अलमंडा प्लांट, टिकोमा प्लांट, जितने भी प्लांट हैं, गंधराज प्लांट, जितने भी गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं प्लांट, उनमें डालिए तो वो प्लांट आप लोगों के हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग करेंगे। तो इसको बिल्कुल भी मत फेंकना। और ये दूसरी चीज़ है, ये हैं प्याज के छिलके, ये प्याज के छिलके भी बिल्कुल भी मत फेंकना क्योंकि ये भी आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए मैंने भिगो के रखा है ना, इसमें प्याज के छिलके हैं और संतरे के छिलके हैं, इनको मैं भिगो के रखती हूँ और अपने प्लांटों में डालती हूँ, तो यही चीज़ आप लोगों को करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी हो तो लाइक करिएगा, नहीं मर्ज़ी है तो कोई बात नहीं है, मेरा काम है वीडियो डालना, आप लोगों को जानकारी देना। आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी मेहनत पर आप लोग कुछ भी लाइक, कमेंट, फॉलो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने तो इसमें से भर भर के रख दिया है भाई। मैं तो आप लोगों से बताई हूँ कि आज तक मैंने मार्केट का कोई चीज़, 4 साल से हो गए नर्सरी से, मैंने मार्केट से कोई चीज़ नहीं ली, सिर्फ प्लांट और गमले ही लिया है, कोकोपीट वगैरह और जो केमिकल खाद सब लोग डालते हैं कि उनके प्लांट में तुरंत ग्रोथ हो जाती है, केमिकल भरी चीज़ें मैं आज तक अपने प्लांटों में नहीं डाली हूँ, सिर्फ यही है मेरा किचन से ही निकला वेस्ट। और दूसरी चीज़ है मेरी चाय, यही चीज़ मैं डालती हूँ। तो आप लोग जानकारी लेनी है तो वीडियो को देख लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड मोगरा प्लांट के बारे में कि पूरी गर्मी मोगरा के प्लांट में फ्लावरिंग कैसे पाएँ और हम क्या डालें कि हमारे सभी प्लांट हेल्दी रहें, ग्रोथ करते रहें। जैसे मोगरा हो गया, अलमेंडा हो गया, टिकोमा हो गया, गुड़हल हो गया, ये प्लांट जो हैं पूरी गर्मी फ्लावरिंग करेंगे। गंधराज हो गया, पूरी गर्मी फ्लावरिंग करते हैं फ्रेंड और बहुत ज़्यादा खुशबू होती है मोगरा के प्लांट में, बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम इन प्लांटों में क्या डालें कि हमेशा फ्लावरिंग बनी रहे पूरी गर्मी और हमारा प्लांट भी स्वस्थ रहे, ख़राब ना हो, तो इसी के बारे में वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड ये है मेरा मोगरा का प्लांट, मेरे पास 3 प्लांट हैं, 3 एक 4 हैं। तो आप लोग देखिए, ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें भी फ्लावरिंग आने लगी हैं। ये बाल्टी में लगा हुआ है और ये छोटे छोटे से नर्सरी पॉट में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ये बहुत फैले थे तो मैंने इनको बांध दिया है कि ये बहुत सारी जगह लेते हैं, तो मैंने इनको एक ऐसे बांध दिया है इस रस्सी के मदद से। और देखिए हर एक उसमें से इतनी सारी वट्स लग गई हैं फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल आई है तो अच्छे से फ्रेंड दिख भी नहीं रहा मुझे। अब वीडियो में पता नहीं कैसे आ रहा है, वो तो बाद में देखने में ही पता चलेगा। तो देख लीजिए, ये देखिए बट से इसमें आ गई हैं और मैं आप लोगों को ऊपर भी देखिए, छोटी छोटी सी टहनियों में इनकी इतनी सारी बट्स लग चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगी है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाती हूँ। तो ऊपर से ये देख लीजिए, ये देखिए इनमें से कितनी बढ़िया बट्स लगी हैं और फ्लावरिंग भी करता है। इधर ये देख लीजिए आप, मतलब हर एक कली में इसमें बड्स लग गई हैं और फ्लावरिंग आने लगी है। तो ऐसा मैंने इसमें से क्या डाल दिया है कि इसमें से फ्लावर आने लगे हैं, बट अभी इसके फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत हैं और रात में ना बहुत अच्छी खुशबू आती है इनके फ्लावर से। ये रात 12 बजे खिल जाता है, कहते नहीं है बेला बेला फूले आधी रात, तो बेला रात में ही खिल जाता है और सुबह जब देखो तो इसकी खुशबू महक उठती है। ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग आ गई हैं, बड्स लग गई हैं। अब ये सारे मेरे प्लांट जो हैं फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं और ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हैं, पूरी गर्मी फ्लावरिंग देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या देना है कि हमारा प्लांट में फ्लावरिंग बनी रहे। तो देख लीजिए फ्रेंड, जो मैं यूज करती हूँ वही बताऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं मार्केट से कोई चीज़ नहीं लाती हूँ, सिर्फ जो होता है मेरे घर का ही होता है। तो ये देखिए सूखे हुए प्याज के छिलके हैं, ये प्याज के छिलके हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही
रामबाण है फ्लावरिंग के लिए आप लोग और ग्रोथ के लिए। ये खीरे के छिलके हैं, इन छिलके को आप लोग पानी में रात भर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए मैंने इसमें से सारे छिलके भिगो के रखे हैं, तो इन छिलकों को रात भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर वही पानी और पानी ऐड करके अपने प्लांटों में डालिए। और जो ये नींबू है ना, तो नींबू गर्मियों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके प्लांटों के लिए और आपके लिए। सब लोग गर्मी में नींबू का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये ठंडक है, ठंडक देता है। तो इसीलिए हम जो नींबू खाते हैं इसका रसा निचोड़ लेते हैं, बाकी ये छिलके हैं इनको हम बिल्कुल बेकार में फेंक देते हैं। तो इसको हमें बेकार में नहीं फेंकना है, इसको क्या करना है, हमें लाना है और अपने किसी डिब्बे में डाल देना है। ये पानी, ये नींबू का रात भर के बाद इसका ये जो निकलेगा रसा, ये देखिए बीच में निकल भी रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए निकल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, पानी में डाल देना है। रात के एक दिन होने के बाद दूसरे दिन इसमें और पानी ऐड करके अपने सभी प्लांटों में इसको देना है। इससे क्या होगा, आपके एक भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एक चुटकी हल्दी मिला लेना है, जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को ध्यान देना है और ये चीज़ें ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग करते रहेंगे। यही तो हम चाहते हैं। नींबू के छिलके बिल्कुल भी मत फेंकना, ये अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना, गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये मैंने क्या रखा है तो आप लोगों को बता दूँ, इसमें है चाय, या फिर आप बनी हुई चाय ले सकते हैं, या फिर आप ऐसी ताज़ी चाय ले। इस चाय का पानी आप लोगों को, अभी गर्मी है तो ज़्यादा नहीं देना है, 10 दिन में 15 दिन में एक बार चाय का पानी दे देना है और पानी ऐड करके। तो इससे क्या होगा, इसमें से प्लांट की आपकी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को देना है, इससे आप लोगों के प्लांट की फ्लावरिंग बम्फर होने लगी। तो ये काम आप लोगों को ज़रूर करना है, जो जो मैंने बताया है ये टिप्स हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। और इसमें देखिए मैंने क्या क्या भिगो के रखा है, ये संतरे के छिलके, प्याज के छिलके, इसमें से सारे छिलके मैं भिगो के रखती हूँ और यही पानी ऐड करके अपने प्लांटों में डालती हूँ। तो आप भी ऐसे छिलके अपने पानी में डालिए और अपने प्लांटों को पिलाइए, ताकि आपके प्लांट भी हेल्दी रहें, ग्रोथ करें, फ्लावरिंग करें। क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों से जितनी भी बातें की हूँ, बताई हूँ कि मैंने आज तक जितने दिन से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, 3-4 साल से तो हो गए मुझे, 1 साल तो वीडियो डालते हो गए फ्रेंड, और 2 साल से और ज़्यादा, तो 3-4 साल समझ लीजिए, 3-4 साल से मैंने अभी आज तक मार्केट से कुछ नहीं लेके अपने प्लांटों में डाला है, ना कोकोपीट, ना कोई खाद, सिर्फ जितने भी मैंने यूज की हैं गोबर खाद और किचन वेस्ट, गोबर खाद और किचन वेस्ट ही मेरे प्लांट इतने हेल्दी हैं, फ्लावरिंग करते हैं। चाहे मैं सीजनी प्लांट लगाऊँ या फिर चाहे जो प्लांट लगाऊँ, मैं सिर्फ किचन गार्डनिंग ही करती हूँ, किचन का ही वेस्ट अपने प्लांटों में डालती हूँ और अपने प्लांटों में फ्लावरिंग लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।